पहली बार अमेरिका के घर तक पहुंचा चीन का परमाणु बॉम्बर, रूस ने दिया साथ, दहशत में कनाडा और अमेरिका। चीन का मिसाइल वाहक युद्धक विमान ने पहली बार अमेरिकी क्षेत्र के इस हिस्से के पास से उड़ान भरी है। इसके साथ रूस का बमवर्षक विमान 295 भी थी। दोनों विमानों की पहचान करने के बाद अमेरिकी वायुसेना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपने फाइटर जेट को इन्हें खदेड़ने के लिए भेजा। रूसी बमवर्षक के साथ पहुंचा चीन का H-6 विमान, अमेरिका ने देखते ही भेजे अपने लड़ाकू विमान। चीन के बॉम्बर ने अमेरिका के पास भरी उड़ान। चीन दो H-6 सीरीज के विमानों ने रूसी 295 बमवर्षकों के साथ बुधवार सुबह अमेरिका के अलास्का के पास हवाई क्षेत्र में उड़ान भरी। ये पहली बार है जब किसी भी तरह के चीनी H-6 विमानों ने इस हिस्से में उड़ान भरी है। इन विमानों के रूस के ठिकानों से उड़ान भरने की संभावना जताई गई है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका और कनाडा की संयुक्त उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस कमांड NORAD ने 24 जुलाई को 2024 को अलास्का वायु पहचान क्षेत्र APIZ में उड़ान भर रहे दो रूसी 295 और दो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC के विमानों का पता लगाया, उन्हें ट्रैक किया और रोका। इसमें कहा गया है कि अमेरिका और कनाडा के NORAD विमानों ने इन विमानों को वापस भेजा। हालांकि NORAD की रिलीज में इस बारे में स्पष्ट नहीं किया है कि किस तरह के H-6 विमानों का उसने सामना किया, लेकिन इस इलाके में चीनी बॉम्बर का पहुंचना चीन की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। चीन के H-6 सीरीज के विमानों में अलग अलग प्रकार शामिल हैं, जिनमें मिसाइल वाहक विमान और हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर शामिल हैं। इसके साथ ही बड़े आकार के हथियार या अन्य पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किए गए विशेष प्रकार के विमान भी हैं। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है जब अमेरिकी प्रेस रिलीज में 242 समुद्री गश्ती विमान को 295 के रूप में पहचानने की गलती की गई है। विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि अमेरिका के किस तरह के विमानों ने चीनी और रूसी बॉम्बर को रोकने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन यह संभावना है कि अमेरिकी वायुसेना के F-16 या F-22 विमान इसमें शामिल थे। अप्रैल में अमेरिकी वायुसेना ने अलास्का में एक F-16 स्क्वाड्रन को अद्वितीय रक्षा इकाई में बदल दिया है। वहीं रॉयल कनाडाई वायुसेना के पास वर्तमान में एकमात्र लड़ाकू विमान CF-18 हॉर्नेट सेवा में है। अमेरिकी क्षेत्र में नहीं गया चीनी विमान। उत्तरी अमेरिका एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने बताया है कि रूसी और PRC विमान अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रहे और अमेरिकी या कनाडाई हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया। बयान में कहा गया है कि अलास्का ADIZ में रूस और चीन की इस गतिविधि को किसी खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है और NORAD उत्तरी अमेरिका के पास प्रतिस्पर्धी गतिविधि की निगरानी करेगा और किसी भी मौजूदगी का सामना करेगा।